हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हीट डिसिपेटेड इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो हमने यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर किया है, उसे बैटरी से कनेक्ट किया है। बैटरी पोटेंशियल इज़ वी बी विथ एंड स्विच एस भी हमने उसे कनेक्ट किया है। नाउ जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, वी नो दैट कि यहाँ से चार्जेस निकलेंगे एंड यहाँ पर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा। एंड ये कंडीशन तब तक चलने वाली है जब तक वी बी, इसका पोटेंशियल एंड इसके अक्रॉस में जो भी पोटेंशियल डेवलप होता है इन प्लेट्स के अक्रॉस में, वो जब तक सेम नहीं आता तब तक ये चीज़ हमारी चलने वाली है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ एनर्जी स्टोर्ड हुए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वो एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग हाफ सी वी स्क्वेयर से। ओके, यहाँ तक हमने देखा था। नाउ वी हमें पता है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एंड यहाँ पर आ जाते हैं। एंड ये प्रोसेस कब तक चलती है? जब तक ये इसका पोटेंशियल एंड इसका पोटेंशियल सेम नहीं आता तब तक। इसका मतलब बैटरी ने कुछ वर्क डन किया है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में। नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट हाउ मच वर्क डन बाय बैटरी। तो बैटरी ने जो वर्क डन किया है, बैटरी वो आने वाला है सिंपली वी इंटू क्यू। अब क्यू क्या है? क्यू जो है वो एक फाइनल चार्ज है यहाँ पर जो आया है जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आई थी तब का, एंड ये माइनस क्यू। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं यहाँ से एंड यहाँ पर आ रहे हैं, वो निकल रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं। एंड फाइनल लास्ट क्या होता है? जब इसका पोटेंशियल एंड इसका पोटेंशियल सेम होता है, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना बंद होते हैं। दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होता है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाती है? आई की वैल्यू हम बोलेंगे, आई की वैल्यू हमारी उस टाइम पे ज़ीरो हो जाती है। और प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने देखा था, जब व्हेन वी बी इक्वल्स टू वी हो जाता है तब आई इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है। एंड जब आई इक्वल्स टू ज़ीरो होता है उस टाइम पे यहाँ पर जो चार्ज आ गए थे उसको फाइनल चार्ज को हमने क्यू बोला था। तो फाइनल चार्ज जो है वो क्यू है, इतना चार्ज इस बैटरी ने यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करवाया था। ओके, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या आने वाला है? वी इंटू क्यू। क्यू क्या है? हमारा फाइनल चार्ज जो यहाँ से यहाँ बैटरी ने ट्रांसफ़र करवाया था। नाउ अब वी इक्वल्स टू क्यू है एंड क्यू का फॉर्मूला आने वाला है क्यू इक्वल्स टू सी इंटू वी। ओके, तो फाइनल चार्ज जो है इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू सी इंटू वी। सी क्या है? कैपेसिटेंस। एंड वी क्या है? वोल्टेज डेवलप अक्रॉस दिस प्लेट्स। ओके, तो अगर हम यहाँ इसे रिप्लेस कर देंगे तो वर्क डन बाय बैटरी क्या आएगा? हमारा वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा सी वी स्क्वेयर। क्यू को रिप्लेस करेंगे सी इंटू वी से तो सी वी, तो वी स्क्वेयर सी वी स्क्वेयर आ जाएगा। ओके, तो बैटरी ने टोटल वर्क डन कितना किया है? सी वी स्क्वेयर, इतना वर्क डन बैटरी ने किया है। एंड वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ओके, तो वो कितनी आती है? हाफ सी वी स्क्वेयर। देखो यहाँ पर वर्क डन बाय बैटरी इज सी वी स्क्वेयर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आती है हाफ सी वी स्क्वेयर। इसका मतलब ये होता है कि बैटरी ने सी वी स्क्वेयर इतना एनर्जी, इतना वर्क डन किया है एंड इसमें से सिर्फ 50% वर्क डन यहाँ पर यूज़ हुआ है। उसमें से सिर्फ 50% एनर्जी हमारी यहाँ पर स्टोर हुई है एंड रिमेनिंग 50% लॉस हुई है इन इस वायर में। रिमेनिंग 50% जो एनर्जी थी वो लॉस हुई है इस वायर में इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, सो ये बात आपको समझ में आ गई कि बैटरी ने जो भी जितना भी वर्क किया था उसमें से सिर्फ 50% ही यहाँ पर स्टोर हो चुका है। रिमेनिंग 50% कहाँ पर वेस्ट हुआ है? रिमेनिंग 50% वेस्ट हुआ है हमारा इस वायर में, वायर में जो चार्ज आप हमारे जो फ्लो होते हैं। ओके,
तो उसमें जो यहाँ से यहाँ तक जो फ्लो होते हैं उसमें कुछ हीट जनरेट होती है, और वो हीट के फॉर्म में 50% हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो वर्क डन बाय बैटरी अगर हम निकालेंगे, वर्क डन बाय बैटरी, तो वो हमारा है सी वी स्क्वेयर, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसको मैं यू सी बोलता हूँ, वो है हाफ सी वी स्क्वेयर, एंड एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी डिसिपेट इन हीट फॉर्म वो रहेगी हमारी हाफ सी वी स्क्वेयर। ओके, तो हमारा वर्क डन बाय बैटरी को हम लिखेंगे यहाँ पर इस सिचुएशन में, वर्क डन बाय बैटरी हमारी आ जाएगी यू प्लस एच। यू क्या है? बैटरी ने जितना वर्क डन किया है उसमें से 50% स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर। एंड एच क्या है? बैटरी ने जो वर्क डन किया था थ्रू वायर, इसके थ्रू वहाँ पर एच के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में यहाँ पर वो एनर्जी लॉस हुई है, सिर्फ 50% एनर्जी हमारी स्टोर हुई है। ओके, तो इसी के ऊपर से हम एक नोट लिख के ले लेंगे जो आपको भी लिखना है। ओके, नोट, 50% ऑफ द वर्क, 50% ऑफ द वर्क वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रिमेनिंग, एंड द रिमेनिंग 50% डिसिपेट, डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द वायर। ओके, ये नोट आपको समझ में आ गई कि जितना वर्क डन बैटरी ने किया है उसमें से सिर्फ 50% उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हुआ है, एंड रिमेनिंग 50% कहाँ पर वेस्ट हुआ है? वायर में वेस्ट हुआ है। वो किस फॉर्म में वेस्ट हुआ है? हीट के फॉर्म में। एंड वन मोर थिंग जो आपको याद रखना है, दिस अप्लाइज टू अनचार्ज कैपेसिटर। ओके, दिस अप्लाइज टू अनचार्ज कैपेसिटर, मतलब ये सिचुएशन हम तभी कंसिडर करेंगे जब ये कैपेसिटर स्विच ऑन करने से पहले इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है। अगर इसके ऊपर कुछ चार्ज रहता है एंड हम ये सिचुएशन लगाते तो ये कंडीशंस हमारी नहीं आने वाली, इसमें और सब बहुत सारे फैक्टर्स रहते। ओके, सो दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, बट आपको भी याद रखना है कि इसमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इसमें चार्ज कुछ भी स्टोर्ड नहीं है और ये कैपेसिटर अनचार्ज है। तब हम क्या बोलेंगे कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो वर्क डन बैटरी ने जितना किया है उसका 50% यहाँ पर स्टोर हुआ है, एंड रिमेनिंग 50% कहाँ पर गया? हीट के फॉर्म में लॉस हुआ है, और ये हर वक्त होने वाला है, पर उसके लिए एक कंडीशन है कि कैपेसिटर शुड बी अनचार्ज। अंडरस्टैंड नाउ? तो हम उससे कॉमन के लिए भी लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारी बैटरीज है एंड बहुत सारे कैपेसिटर्स है, तो हीट के फॉर्म में जो भी एनर्जी आएगी हम उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर, हीट, टोटल हीट डिसिपेशन। तो हम उसे डायरेक्टली लिखेंगे कि टोटल वर्क डन बाय बैटरी माइनस टोटल, टोटल वर्क डन बाय बैटरी एंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ओके, अंडरस्टैंड? सो टोटल वर्क डन मतलब जितनी बैटरीज है उनका वर्क डन निकालो माइनस जितने कैपेसिटर है उसमें कितने 50-50% स्टोर हुए वो निकालो, यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ